हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जस्ट क्रैक इट। सो ये है लेक्चर नंबर सेकंड और जो यूनिट चली हुई है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। सो लेक्चर फर्स्ट पे हम लोगों ने फैराडेज एंड हेनरीज के कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो थे वो डिस्कस किए थे, साथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का कंसेप्ट स्टडी किया था। लेकिन इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करने वाले हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज ने तीन स्टेटमेंट्स दी हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, और ये तीन स्टेटमेंट्स फैराडेज और हेनरी के एक्सपेरिमेंट से ही रिजल्ट निकले हुए हैं। विच मीन्स अगर आपने फैराडेज और हेनरीज के जो एक्सपेरिमेंट्स की प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो उसको एक बार जरूर देखें, ताकि आप लोग इन तीन स्टेटमेंट्स को जो फैराडे ने अपनी स्टेटमेंट्स दी उनको और अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। सो आइए एक एक करके इनको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद कंडक्टर चेंजेस, ईएमएफ विल प्रोड्यूस इट सो देखिए क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलेगी कि जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर चेंजेस ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन इट। मैं थोड़ा शॉर्ट में इसके कुछ डायग्राम भी बना दूंगा आपको, वो आप लोग नोट ना करें। इस पूरे लेक्चर के आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करना तो आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, ताकि आप लोग और अच्छे से हैंड रिटन नोट्स से प्रॉपर उनको अंडरस्टैंड कर सकें और याद कर भी कर सकें और एग्जाम में लिख सकें। सो व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर चेंजेस ईएमएफ विल प्रोड्यूस इन इट, क्या मतलब हुआ इसका? देखिए कल एक डायग्राम था, इस तरह से कॉइल ली थी हम लोग, ठीक है, और गल्वेनोमीटर था इस पॉइंट पर, गल्वेनोमीटर था और इस पॉइंट पर हमने क्या लिया था, नॉर्थ और साउथ पोल बार मैग्नेट था। जैसे ही बार मैग्नेट को इस तरफ लेकर आ रहे थे ईएमएफ, इस पर करंट क्रिएट हो रहा था, इस पर करंट की वैल्यू, गल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। उसका मतलब क्या हुआ कि व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर चेंजेस, क्योंकि इससे जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकल रही थी बाहर मैग्नेट को मूव करने की वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद द कंडक्टर, इस कंडक्टर के साथ जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड है चेंज कर रहा था मोशन की वजह से, तो ईएमएफ विल प्रोड्यूस इट, तो फिर करंट पैदा हुआ। करंट मींस ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन जो है इस कंडक्टर के अंदर उनको फोर्स लगी, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट इसकी स्टेटमेंट आपको क्लियर हुई होगी कि सिंपल बोले कि मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी किसी कंडक्टर से चेंज करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग फ्रॉम द कंडक्टर, कि इस कंडक्टर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज करेंगी तो EMF will produce in it, तो इस पर EMF पैदा होगी, करंट पैदा होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट ये थी। अब बात ये आई कि ये EMF कब तक पैदा होती रहेगी, कब तक पैदा होती रहेगी। फिर से डायग्राम बना देते हैं इंपॉर्टेंट सेकंड स्टेटमेंट के लिए। ये आ गया गल्वेनोमीटर और ये था नॉर्थ पोल और ये था साउथ पोल। आप लोग ये डायग्राम ना बनाए, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए रखें। तो अब बात ये आई कि जब मैं इसको मूव किया इस तरफ तो ईएमएफ पैदा हुई क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, लेकिन कब तक ईएमएफ पैदा होती रहेगी, विच मीन्स करंट कब तक इस पर बनता रहेगा। तो करंट तब तक बनता रहेगा जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। ओके, तो ये कब तक मैग्नेटिक, कब तक ईएमएफ या करंट, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब तक उस कंडक्टर पर रहेगी, तब तक उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रहेगी जब तक उस कंडक्टर में
मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। तो सेकंड स्टेटमेंट इसी के ऊपर है, इंड्यूस ईएमएफ लास्ट सो लॉन्ग, लास्ट सो लॉन्ग मतलब तब तक रहेगी एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, मैग्नेटिक फ्लक्स जब तक चेंज होता रहेगा, ठीक है। और अगर तभी इस करके डायग्राम पर और जब एक्सपेरिमेंट आपने स्टडी किया था, अगर इसको रोक देते थे हम लोग, स्टेशनरी कर देते थे, तो ईएमएफ पैदा नहीं होती थी, क्योंकि उस टाइम पर ईएमएफ पैदा इसलिए नहीं होती थी क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना बंद हो जाता है जब इस बार मैग्नेट को हम लोग स्टेशनरी कर देते थे। नेक्स्ट बात ये आती है कि कितना कितना करंट पैदा होगा, ठीक है, कितना ज्यादा, तो विच मीन्स मैग्नीट्यूड। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट इसी के ऊपर है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये जो करंट पैदा हुआ ये कितना पैदा होगा, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद कंडक्टर। ओके, तो इसी को अगर मैं मैथमेटिकल अगर इसको फॉर्म दूं तो ईएमएफ को, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसको हम लोग लिखते हैं, ये मैग्नीट्यूड के लिए सिंबल और ये जो ई लिखा हुआ है एप्साइलन, ये है हम लोगों का इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। सो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विच मीन्स फाइ टू माइनस फाइ वन ओवर टी टू माइनस टी वन। अब बात करते हैं कि फाइ टू क्या है, माइनस फाइ वन क्या है, ये है चेंज इन फ्लक्स, और टी टू ओवर टी वन का मतलब है, टी टू माइनस टी वन का मतलब है चेंज इन टाइम। सो फ्लक्स अपॉन टाइम इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज आपको पता होगा, इस तरह से लिखा जाता है। अब फाइ टू और फाइ वन को अंडरस्टैंड कीजिए, जैसे ही एक कंडक्टर था स्टार्टिंग में कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, मान लो 10 गई, और फिर इसको इस तरफ मूव किया तो फाइनल जब बिल्कुल इसके क्लोज लेकर आए तो मान लो 50 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गई, तो चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ 50 - 10 दैट इज 40। तो फाइ टू माइनस फाइ वन क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल फ्लक्स क्या था और इनिशियल फ्लक्स क्या था। T2 माइनस T1 है टाइम, इनिशियली जब फ्लक्स था तब क्या टाइम था और फाइनल पर उसने कितना टाइम लिया, ठीक है। मान लो इधर से स्टार्ट किया और 5 सेकंड में फाइनल पोजीशन पर आ गया, इधर से स्टार्ट किया और 10 सेकंड में फाइनल पोजीशन पे आ गया, व्हिच मींस टाइम वो इंक्रीज हो रहा है, ये चेंज है टाइम का। सो अगर बात करें तो इसी को अगर प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को मैं हटाऊं तो आप लोगों को पता होगा क्या आएगा, एक कांस्टेंट दैट इज के और फाइ टू माइनस फाइ वन ओवर टी टू माइनस टी वन। इन एसआई सिस्टम में जो ये के है इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है, इन एसआई सिस्टम के की वैल्यू 1 होती है, तो इस करके इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसी को हम लोग नोट करके लिख लेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे हम लोग, इसी को नोट करके आप लोग लिख लें, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू फाइ टू माइनस फाइ वन ओवर टी टू माइनस टी वन। के की वैल्यू 1 है, इस करके के को रिमूव किया। अब बात करेंगे, कौन सी बात करेंगे, हम बात करेंगे इज इक्वल टू, दिस इज डी फाइव इज इक्वल टू फाइ टू माइनस फाइव, इट इज डी फाइव बाई डी टी, वी कैन राइट इट लाइक दिस डी फाइव बाई डी टी, बिकॉज डी ओवर डी टी इज ऑल्सो रेट ऑफ चेंज, और किसका रेट ऑफ चेंज, फ्लक्स का। सो ई इज इक्वल टू डी फाइव बाई डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के साथ ही इक्वेशन को नोट करना हो तो n इस पर कनेक्ट कर दें, सो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू n डी फाई बाई डी टी, ओके, n डी फाई बाई डी टी, वेयर n इज इक्वल टू, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉइल, ओके, जो कॉइल है उसकी कितनी टर्म्स है उसी के ऊपर n ये बताएगा। लेकिन इसी पर क्या आप लोगों को डायरेक्शन पता लगी, करंट की डायरेक्शन पता लगी,
क्या फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से डायरेक्शन ऑफ करंट पता लगा कि किस डायरेक्शन में करंट जाएगा? तो आंसर है नहीं पता लगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ये देखिए, इस तरह से कॉयल थी हम लोगों की और इधर गैल्वेनोमीटर था और इधर बार मैग्नेट था, नॉर्थ और साउथ इस तरफ मूव करें या इसको दूर लेकर जाएं बार मैग्नेट को, इस पर ईएमएफ पैदा हो रही थी। पर क्या आप लोग बता सकते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होगी? मान लो इसको इस तरफ लेकर आए तो क्या करंट इस डायरेक्शन में जाएगा या इस डायरेक्शन में जाएगा? ये बात फैराडे ने नहीं डिस्कस की, तो ये उसकी एक लिमिटेशन बन गई कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डज नॉट टेल अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द करंट। लेकिन इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए जो है लेंजिस लॉ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी, सरनेम है लेंजिस, उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर एक बात की, तो वो ही हम लोग अब स्टडी करेंगे और वो है लेंजिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, नेक्स्ट इज लेंजिस लॉ। तो ये स्टेटमेंट आप लोग याद रखें, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी, वेयर एन इज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल। और अब मैं बात करूंगा लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, तो देखिए लेंजिस लॉ क्या आए, फैराडेज के बाद लेंजिस ने स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट किसके ऊपर दी? डायरेक्शन ऑफ करंट के ऊपर। उन्होंने एक बात बोली, लेंजिस लॉ क्या बोले, ये बोले इट स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजिस the cause which produce it। okay, तो लेंजिस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने ये जो डेफिनेशन मिली वो ये है, इट स्टेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए किसके ऊपर बात की इसमें, डायरेक्शन किसकी, इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ मतलब करंट की डायरेक्शन के ऊपर बात की। So direction of induced EMF किस तरह से होगी, इस तरह से होगी, is such that it opposes the cause which produces। बोला करंट की डायरेक्शन कॉइल में इस तरह से होगी कि ये अपोज करेगी, अपोज मीन्स रोकेगी अपने कॉज को, विच प्रोड्यूस इट, ये उस चीज को रोकने की कोशिश करेगी जो इस करंट को पैदा कर रहा है। फिर से सुनिएगा क्या बोला लेंजिस लॉ ने, लेंजिस लॉ ने क्या बोला कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज व्हिच प्रोड्यूस इट, किसको अपोज करेगी, कॉज को, कौन सा कॉज, जिसने इसको पैदा किया। तो देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि इस कॉइल पर करंट पैदा हो रहा है, कब पैदा हो रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग विद दिस कंडक्टर इज चेंजिंग, ठीक है, तो वो जो करंट पैदा हो रहा है उसका कॉज कौन है, कौन उसको पैदा कर रहा है? तो आंसर होगा उसको पैदा करने वाला ये बार मैग्नेट का मोशन है, इस तरफ मोशन, क्योंकि बार मैग्नेट को जब मैं इस तरफ मूव किया तो इस पर करंट पैदा हुआ, तो करंट पैदा करने का जो कारण है, जो कॉज है, वो है मोशन ऑफ दिस बार मैग्नेट टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है। तो अब लेंजिस ने क्या बोला कि ये अपोज करेगा, रोकेगा किसको, कॉज को, विच प्रोड्यूस इट, तो अपने कारण को, जिसको पैदा कर रहा है उसको रोकेगा, विच मीन इस बार मैग्नेट को इस तरफ आने से ये रोकेगा, क्योंकि बार मैग्नेट कारण है इस पर करंट पैदा होने का, तो बार मैग्नेट ये इस तरफ आएगा तो ये क्या करेगा, इसको रोकेगा, और रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर ये नॉर्थ है तो इधर नॉर्थ क्रिएट करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि नॉर्थ होगा तो नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करेगा, तो कॉज को अपोज कर दिया। अब ये बात आप लोग अंडरस्टैंड कर गए कि नॉर्थ क्यों पैदा किया, क्योंकि इसका जो कॉज है वो है इस बार मैग्नेट का इस तरफ आना, और ये अपोज करेगा कॉज को, विच प्रोड्यूस इट, विच मीन्स ये नॉर्थ है तो ये भी नॉर्थ बनाएगा। सेम वे से एक और वे देखिए, अगर ये मैंने कॉयल ली, ये मैंने लगाया गैल्वेनोमीटर,
और ये मेरा बार मैग्नेट नॉर्थ साउथ, और सपोज कर रहे हैं इसको मैं इस तरफ लेके जा रहा हूं, तो जब मैं इसको दूर लेकर जाऊंगा फिर से इस पर करंट पैदा होगा, ठीक है, इस कॉइल के ऊपर फिर से करंट पैदा होता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं लेक्चर फर्स्ट पे। अगर इसको मैं दूर लेकर जाऊंगा इस पर फिर से करंट पैदा होगा, तो कॉज क्या है इस पर करंट पैदा होने का, तो कॉज है इस पर करंट पैदा होने का इस बार मैग्नेट का दूर जाना, तो विच मींस अपोज करने के लिए, रोकने के लिए इसको ये दूर नहीं जाने देगा, दूर ना जाने के लिए इसको इसको खींचना पड़ेगा इस तरफ, विच मींस अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और अट्रैक्ट करने के लिए अगर ये नॉर्थ है तो इधर साउथ पोल बनेगा। ये बात अंडरस्टैंड कीजिएगा, अगर समझ ना आए तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स में जाकर फिर से सुने, और नोट्स आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर जाकर क्लिक करना, आपको नोट्स मिल जाएंगे। सो नॉर्थ साउथ, और ये साउथ आ गया। अब एक और प्रीवियस यूनिट्स का एक कंसेप्ट यूज होगा कि अगर नॉर्थ पोल बनाना होगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी इस पॉइंट पर, डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। गेटिंग माय पॉइंट? डायरेक्शन ऑफ करंट विल बी एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट जब किसी लूप पर चलता है तो ही नॉर्थ पोल बनता है, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको नहीं पता है तो प्रीवियस यूनिट्स आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी, लेकिन फिलहाल के लिए आप लोग याद रखें कि नॉर्थ पोल तभी बनता है अगर लूप पर एंटी क्लॉकवाइज करंट चल रहा हो। तो इट मींस इस पॉइंट पर, इस लूप पर, ये जो लूप बनी, इधर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगी। डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोगों को ये पता लग गया कि कॉइल पर करंट इस तरह से जाएगा कि इस लूप पर एंटी क्लॉकवाइज वो करंट दिखेगा, और सेम वे से इधर क्या होगा, साउथ पोल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, किसकी, डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट होगा। सो अकॉर्डिंग टू लेंज़स लॉ हम लोगों को क्या पता लगा, डायरेक्शन ऑफ करंट मिलेगी। ओके, और इसी को मैथमेटिकल फॉर्म में किस तरह से लिखा जाता है, देखिए इसे नेक्स्ट, फिर ये फैराडेज और लेंज़स ने मिलकर एक स्टेटमेंट दी, और उन्होंने क्या बोला कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, ओके, फैराडेज एंड लेंज़स लॉ, फैराडेज एंड लेंज़स लॉ। देखो हुआ क्या, अब फैराडे ने तो डायरेक्शन ऑफ करंट नहीं दी थी, लेकिन फिर लेंज़स ने दे दी, तो फैराडे और लेंज़स का मिलकर एक नया रूल बन गया, जिसको हम लोग फैराडेज एंड लेंज़स लॉ भी बोलते हैं, या फैराडेज लॉ भी बोला जाता है, ठीक है, लेंज़स का नाम नहीं लिया जाता है, फैराडेज भी बोला जाता है। और वो क्या है, वो ये है कि जो मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ जो था, या इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाइव बाई डी टू। देखिए लेंज़स की डायरेक्शन ऑफ करंट देने के बाद नेगेटिव साइन आ गया, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड हम लोग बात कर रहे थे तो इस तरह से नेगेटिव नहीं था, लेकिन लेंज़स ने डायरेक्शन ऑफ करंट बता दी, तो इसलिए नेगेटिव लें, और नेगेटिव साइन क्या बताता है, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ ठीक है, नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, नेगेटिव साइन ने ये बताया, नेगेटिव साइन शोज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट अपोज इट्स कॉज। ओके, अपोज करने की वजह से ही नेगेटिव साइन, मैथमेटिकल फॉर्म में नेगेटिव साइन लगाया गया, जिसका मतलब है कि अपोज करेगा कॉज विच प्रोड्यूस इट, और एन तो आपको पता है नंबर ऑफ टर्न्स, और डी फाइव बाई डी टी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये था फैराडेज लॉ,
फिर लेंजिस लॉ और फैराडेज और लेंजिस से मिलकर एक फाइनल स्टेटमेंट ये बनी। आई होप आप लोगों को आर्टिकल क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी पर्टिकुलर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट जरूर करें, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर कोई पर्टिकुलर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो उसकी उस कंसेप्ट के लिए अलग से एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। फिर से रिपीट कर देता हूँ, इस यूनिट के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिलेगा, वहाँ पर जाकर चेक कर लें। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, थैंक यू।